उस नबी की इज्जत और अजमत पर हमले हो रहे हैं, ये वही कर सकता है जिनकी माएं नेक नहीं होती और जिनके बाप एक नहीं होते। ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो, सख्त सख्त कार्रवाई की जाए और इसकी जुबान को रोका जाए कि किसी वीडियो या किसी तंजीम के बुलाने पर नहीं बल्कि नबी के नाम पर आप तशरीफ लाएं। सबको लेकर के इस प्रोटेस्ट में पहुंचे, नबी के नामों पर अगर नहीं उठेंगे तो कब उठेंगे। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी आए दिन नरसिंगानंद जो पंडित है, यूपी गाजियाबाद के डासना मंदिर का जो संत महंत है, ये पाखंडी और इसके अलावा बहुत सारे पंडित हैं जो हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी किए जा रहे हैं। आए दिन कुछ न कुछ किसी न किसी मामले को लेकर के हमारे आका रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी वो करते हैं और मुसलमानों के दिलों को तकलीफ पहुंचाने की भरपूर वो कोशिश कर रहे हैं और हुकूमत वक्त उनका भरपूर सपोर्ट कर रही है। मैं तमामी हजरात से जो इस वीडियो को, इस क्लिप को सुन रहे हैं, उनसे मैं और मिल्लत नगर के तमाम नौजवान जो मेरे साथ खड़े हैं, इनकी तरफ से मैं गुजारिश करता हूँ तमाम उलमा, तमाम आइम्मा को कि वो अपने मस्जिद के मुसल्लियान को और अपने साथियों को, तमाम जान पहचान जहां तक अपने दोस्त अहबाब हैं, सबको लेकर के इस प्रोटेस्ट में पहुंचे। बाद नमाज जुमा मुस्लिम चौक पर एक प्रोटेस्ट रखा गया है जो हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ भरपूर एहतजाज और उसकी मजम्मत में ये प्रोटेस्ट रखा गया है। तमामी आवाम से, अहलियान शहर से मैं गुजारिश करता हूँ कि किसी वीडियो या किसी तंजीम के बुलाने पर नहीं बल्कि नबी के नाम पर आप तशरीफ लाएं, क्योंकि जिस नबी का हम कलमा पढ़ते हैं उस नबी की इज्जत और अजमत पर हमले हो रहे हैं तो फिर खामोश बैठना और ये खामोश मिजाजी जीने नहीं देगी। शायर ने कहा, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। और डासना मंदिर का ये अजदहा, ये सांप आए दिन हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से अपनी जुबान को दराज करता है, पूरे मुल्क की मोहब्बत भरी फिजा को जहरीली बनाने की भरपूर वो कोशिश कर रहा है और हुकूमत हिंद उसका साथ दे रही है। मैं कर्नाटक की हुकूमत से पुरजोर मुतालबा करता हूँ और हुकूमत हिंद से भी पुरजोर मुतालबा करता हूँ, हमारे मुसलमानों के दिलों को जो हुजूर रहमत आलम की गुस्ताखी से ठेस पहुंचाई जा रही है, इस पर सख्त सख्त कार्रवाई की जाए और इसकी जुबान को रोका जाए। याद रखिएगा, हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करना ये वही कर सकता है जिनकी माएं नेक नहीं होती और जिनके बाप एक नहीं होते, वही हमारे नबी की गुस्ताखी करते हैं। और हुकूमत हिंद हम मुसलमानों को लॉलीपॉप दे रही है, वक्तिया तौर पर कहती है तलाके सलासा पर बिल ला करके हम तो मुसलमानों की खवातीन, मुसलमानों, मुसलमान औरतों की हमदर्दी कर रहे हैं, और हुकूमत हिंद कहती है वक्फ बोर्ड बिल ला करके कि हम मुसलमानों की जमीनों को सही तौर पर उसको मुसलमानों को फायदा पहुंचाएंगे। जब मुसलमानों की हमदर्दी में हर बिल लाया जा रहा है पार्लियामेंट में, तो ये मुसलमानों के नबी को उनकी गुस्ताखी करके मुसलमानों के दिलों को तकलीफ पहुंचाई जा रही है और कई सौ इस पर FIR हो चुके हैं और पूरे मुल्क हिंदुस्तान में हर जगह, हर शहर से लोग प्रोटेस्ट करके निकल रहे हैं और पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपने नबी की अजमत के लिए। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा कि मुंबई की सरजमीन पर एक बहुत बड़ा एहतजाज हुआ और बहुत सारे मामलात मुसलमान रोडों पर, सड़कों पर निकल चुके हैं, लेकिन हुकूमत हिंद अपनी खामोश निगाहें लेकर के बैठी हुई है। और वो हजरात जो मुसलमानों के वोट से सांसद बने हुए हैं और पार्लियामेंट में पहुंच चुके हैं, मुसलमान सांसद से मैं गुजारिश करता हूं, ये कातिलाना खामोशी और ये मुजरिमाना मुस्कुराहट को आप बाहर निकालें और अपने मुतालबात को रखें। नबी के नामोस पर अगर नहीं उठेंगे तो कब उठेंगे। तमामी हजरात से मैं गुजारिश करता हूँ कि कल बाद नमाज जुमा मुस्लिम चौक पर पुरजोर मुतालबा और एहतजाज रखा गया है, उस एहतजाज में शिरकत फरमाकर अपने इश्क रसूल का सबूत दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला बरकातहू।